स्पोर्ट्स नाउ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आरसीबी वाले मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद आप ये बोलेंगे कि यार डीके भाई को सलाम है। डीके ने, दिनेश कार्तिक ने आरसीबी के लिए ऐसी इनिंग खेल दी और उसके बाद जो फैंस को उन्होंने शुक्रिया कहा, इससे यही लगता है कि डीके ने अपना आखिरी मुकाबला आईपीएल का, या फिर बोल लीजिए कि अपने क्रिकेट करियर का आखिरी मुकाबला खेल लिया है। 35 गेंदों में 83 रन की डीके ने पारी खेली, दिनेश कार्तिक ने वहां पे पारी खेली एसआरएच के अगेंस्ट, लेकिन अपनी टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सके। 25 रन से मुकाबला आरसीबी ने हारा, 287 रन आरसीबी की टीम चेस कर रही थी एसआरएच के अगेंस्ट, और ऐसा लग रहा था कि दिनेश कार्तिक इस मुकाबले में अगर टिके रहे तो अपनी टीम को जीत तक पहुंचा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। डीके आउट हो गए और जब वो आउट होके गए तो हेलमेट उतारा और पूरे फैंस को अपने शुक्रिया अदा किया। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आरसीबी की आदत है कि जब कोई अच्छा प्लेयर अच्छा करता रहता है तो उसी प्लेयर को जो आरसीबी की टीम है वो बाहर का रास्ता दिखा देती है। ऐसा हमने एक बार नहीं देखा, ऐसा आरसीबी के लिए हमने कई बार देखा। युजवेंद्र चहल को बाहर किया, हसरंगा को बाहर किया इस मैच में, जो पंजाब के अगेंस्ट जो मैच जीती थी चेन्नई आरसीबी, वहां पे लुमरोर ने जिताया था, अगले मैच से लुमरोर को भाई साहब को ही ड्रॉप कर दिया। तो ये आरसीबी की कुछ कहानी है और आरसीबी टेबल में सबसे नीचे पायदान पर है, यानी कि नंबर 10 की टीम वो बन चुकी है। 7 मुकाबलों में से 6 में हार है, 1 में आरसीबी की जीत है, वो भी पंजाब के अगेंस्ट। तो डीके ने, दिनेश कार्तिक ने तो भाई जिसे बोले कि ठान ली थी कि मैं इस टीम को जीत दिलाकर ही मतलब मानूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दिनेश कार्तिक अलोन वॉरियर, लड़ते लड़ते वो रह गए और आरसीबी की टीम हार गई। और आरसीबी की टीम के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि यार आरसीबी तुमसे ना हो पाएगा। आरसीबी जो आपको नाम दिया गया है, कुछ सोच समझ कर ही नाम दिया गया है, तो उन फैंस के साथ प्लीज आप धोखा मत करिए जो आरसीबी को दिल से सपोर्ट करते हैं, दिल से उनको मानते हैं। लेकिन विराट कोहली के लिए भी एक चीज बोलना चाहूंगा कि भाई आप ऐसी टीम को सपोर्ट ना करें, ऐसी टीम के लिए ना खेलें जिनके सारे 10 के अलावा, मतलब आपके अलावा बाकी के प्लेयर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो विराट कोहली क्या अगले जो मेगा ऑक्शन होगा क्या आरसीबी को छोड़ेंगे, सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि डीके के लिए तो ये आखिरी आईपीएल था जैसे आपको पता ही है, लेकिन क्या दिनेश कार्तिक वर्ल्ड कप खेलेंगे 2024 में, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि पिछले ही मैच में जो मुंबई के अगेंस्ट आरसीबी हारी थी, जहां पे डीके बहुत शानदार खेल रहे थे, वहां पर रोहित शर्मा ने एक कमेंट किया था कि डीके के दिमाग में वर्ल्ड कप है तभी वो ऐसी इनिंग खेल रहे हैं। क्या दिनेश कार्तिक को रोहित शर्मा वर्ल्ड कप लेकर जाएंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या पहले विकेट कीपर दिनेश कार्तिक होंगे? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।